द कायो पेरिको हाइस्ट, सबको पता है इज वन ऑफ द बेस्ट मनी मेकिंग मेथड्स इन दिस गेम राइट नाउ, और आज मैं वही हाइस्ट 45 मिनट के अंदर अंदर करने वाला हूँ। तुम लोगों का अगर लक खराब होगा तो तुमको इसका मैक्स पे आउट, मिनिमम पे आउट 1.3 मिलियन मिलेगा, और अगर लक अच्छा और आरएनजी भी अच्छा रहा तो भाई तुमको पूरा 2.3 मिलियन मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स जस्ट बिगिन। तो जो इसका फर्स्ट प्रेप होगा उसमें होगा गैदर एंटल, हमको गैदर एंटल करना पड़ेगा। बेसिकली पूरे मैप के ऊपर एक जगह पे वेलम नाम के क्लेंच पॉन होगा, हमको उस पर जाके आइलैंड पर जाना है। तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास फर्स्ट हाइस्ट ख़त्म हो चुकी है और सेकेंड हाइस्ट है तुम्हारी, तो तुम यहाँ पर जाके इसको फास्ट ट्रेवल को यूज़ कर सकते हो। अभी तुमको फर्स्ट हाइस्ट के बाद इसको तुमको $2,000 लगेगी, बट अगर फर्स्ट हाइस्ट है तुम्हारी इट सेल्फ तो तुमको $25,000 लगेगे। तो इसको आराम से कर लेना। अब तो मैं यहाँ से मैं स्पैरो लेके जाऊँगा वहाँ पर, तो वहीं पर तुमको मिल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अभी मैं फ़ौरन जो पहली चीज़ करूँगा वो करूँगा कि स्पैरो को भाई पीछे वापस से भेज दूँगा कोसाटका के अंदर, ताकि मतलब मेरे को नेक्स्ट स्पॉन में थोड़ा जल्दी मिल जाए। और इन सब जो भी बंदे खड़े होंगे इन सबको मार देना तुम लोगों को, फिर ये वेलम में बैठ जाना है और तुम लोगों को मतलब साउथ की तरफ एक जगह पे मार्क किया होगा, ये देखो साउथ में मार्क किया होगा, वहाँ पर तुम लोगों को जाना है। ये तुम, ये मेरा वेलम का स्पॉन है, यहाँ पर साउथ में अपने को जाने के, तो यहाँ पर मार्कर लगा देता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं एक टिप देता हूँ कि जितना अगर तुमको अगर जल्दी जाना होगा ना, तो जो बादल रहेंगे ना तो बादलों के ऊपर ही रहना, मतलब अगर बादलों के ऊपर जाओगे ना तो तुम्हारा प्लेन थोड़ा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और जो पहली चीज़ मैं करूँगा ना, तुमको आगे और लेफ्ट की तरफ भागना है, ये वाले गेट की तरफ। यहाँ पर एक सैंचेस पड़ी हुई होगी, वो सैंचेस फिलहाल तो अभी तक तो भाई अगर तुम ऑपरेशन मार्क टू वाला ग्लिच नहीं कर रहे हो तो सैंचेस इज़ द बेस्ट वे टू स्कोप आउट द आइलैंड फास्ट। तो फिर उसके बाद तुमको एयरपोर्ट के हैंगर के अंदर आके ये नीचे वाली दो जगह को मतलब देख लेना, अगर तुमको यहाँ की कोई लूट पसंद आती है तो ही तुम इसकी पिक्चर लो। यहाँ पर मुझे एक कोको नहीं बोलूँगा भाई हरा माल मिल गया था, हरे माल की मैं फ़ोटो ले लेता हूँ और फिर पैवेल को भेज देता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को एक फॉर्कलिफ्ट में बैठना है और सामने वाले जो डब्बे पड़े होंगे ना उनको एकदम भाई एकदम प्रिसाइजली उठा के ना यहाँ पर रखना है, जो जिस जहाँ से ऊपर जाते हैं ना। और मैं पहले तुमको नीचे वाला इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ पर पहले ऊपर वाला किया था और फिर मैं नीचे अटक गया था भाई, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इसको मैं लगा देता हूँ और फिर ऊपर चढ़ने के बाद ना राइट साइड में यहाँ पर तुमको स्कोप आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर जो अपना सफ़ेद माल होता है ना, कोको होता है ना, मुझे कोको मिलता है, तो मैं कोको की फ़ोटो ले लेता हूँ। बाकी अगर कैश सबसे बेस्ट में जो होता है वो तो गोल्ड होता है, गोल्ड के बाद कोको होता है, फिर कोको के बाद तुम हरा माल मत लेना, पैसे ले लेना चाहिए था तुमको। फिर यहाँ पर पीछे आने के बाद भी यहाँ पर भी एक स्पॉन लोकेशन है, बट अगर तुमको एयरपोर्ट के अंदर ही अच्छे स्पॉन्स मिल रहे तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत लेना, एकदम बेकार है भाई। और यहाँ पर ऊपर ना यूनिफॉर्म स्पॉन होते हैं आगे राइट साइड की तरफ, यहाँ पर देखो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये एग्जैक्ट जगह पे यूनिफॉर्म स्पॉन होते हैं। अगर स्पॉन हुए हैं यूनिफॉर्म और तुम लोगों को मतलब करना है तो ले लेना, बट एक्स्ट्रा टाइम मत वेस्ट करो इसके ऊपर। उसके बाद तुम लोगों को गेट के पहले ही मतलब राइट ले लेना है और यहाँ पर आगे आ जाना है। और ये मतलब इतना मतलब बेस्ट तरीका नहीं है टाइम वाइज, बट ये बहुत कंसिस्टेंट तरीका है, इससे तुम लोग मतलब ज़्यादा तकलीफ में नहीं होगे। और यहाँ पर अगर तुम ऐसे गिर जाओ ना तो यहाँ से राइट साइड से मत आना, लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ना, क्योंकि यहाँ से एकदम जल्दी चढ़ जाओगे बिना स्पीड के। एक बोट से अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग पहले स्टार्टअप लेके बोट से भी जंप कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है। उसके बाद जो ये डांस वाला डांस यहाँ पे करते हैं हम एकदम पहली वाली हाइश में, यहाँ पर आ जाना। अब यहाँ पर मुझे मैप में एकदम जस्ट आगे एक बंदा स्पॉन हुआ था, वो यूजुअली स्पॉन तो नहीं होता बट मेरे लिए हो गया था बैड लक, तो इसलिए मैं एकदम ध्यान से यहाँ से एकदम दीवार को राइट वाली दीवार को चिपक के जा रहा हूँ। हाँ तो इसके बाद यहाँ पर एकदम मेन है कि भाई कायो पेरिको ना बहुत ग्लिची है, कसम से बहुत ग्लिची है, इतनी इतनी झाड़ियाँ भी ना तुमको अपनी बाइक से नीचे फेंक देगी, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना चलाते टाइम, और जितना हो सके ना मतलब एक कॉर्नर को चिपक चिपक के जाना। ये ऊपर वाले गार्ड ज़्यादा देखेगा नहीं,
बट जो भी एलएस ट्यूनर्स का नया अपडेट आया ना, उसके बाद कैमरा बहुत बफ हो चुके, कैमरा से बच के रहना। और फिर इसके बाद तुम लोग को यहाँ पर क्या करना है, राइट वाली दीवार से चिपक के ये वाले गेट से आके ना एकदम फौरन ही राइट ले लेना है, वरना अगर वहाँ पे अटक गए ना तो कैमरा बफ हो गया, कैमरा तुम लोग की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा भाई। फिर उसके बाद ये जो पाम ट्री है ना, इसमें से एकदम ध्यान से देख के यहाँ से लेना है, और फिर मिनी मैप पे देखते देखते तुम लोग को जाना है। जो राइट साइड में जो सफ़ेद ट्रीज है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कर लेना, बिकॉज ये बहुत बेकार है। इस पर तुम हल्का सा भी टच कर जाओगे ना, तुम्हारे अच्छी गाड़ी उड़ जाएगी। और ये देखो हरा माल जो हम चोरी करने वाले बाद में, ये लुबियो गा रहे हैं यहाँ पर तो उसके थ्रू हमको जाना है, बिकॉज लेफ्ट साइड में कैमरा होता है ऑफकोर्स। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर ऊपर चढ़ान करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन टावर में। पहला अगर तुम्हारा प्रेप होगा, पहली बार कर रहे हो ना, तो तुमको कहीं उसके बाद भी जाना पड़ता है, बट ये मेरी पहली आज नहीं थी। इसके बाद जूम इन करके जहाँ पे दिखा रहा हूँ एरो से, तुम लोगों को अगर वहाँ पर गार्ड स्पॉन होता है ना नीचे मिनी मैप पे, तुम लोग गार्ड दिख जाएगा अगर वहाँ पर स्पॉन होता है, मतलब तुम्हारा जो ये बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स स्पॉन होता है, इसको हैक करना होता है, ये तुम लोगों का नीचे नहीं स्पॉन होगा, ऊपर ही स्पॉन होगा। अगर गार्ड स्पॉन हुआ है तो, अगर गार्ड नीचे स्पॉन हुआ है तो बॉक्स ऊपर होगा, अगर गार्ड नहीं हुआ तो नीचे होने के चांसेस है। हैक भी बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ एडिशन करनी होती है, बेसिक एडिशन, कोई बात नहीं। उसके बाद तुम लोगों को अपनी साइड सीयर ऐप खोलनी है, और ये सब पहले दूसरे तीसरे कैमरे मत देखो, सीधा चौथे कैमरे पे स्किप करो, क्योंकि चौथा कैमरा मत राइट साइड की तरफ, चौथा कैमरा जो होता है वो तुम्हारा प्राइमरी टारगेट होता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरा आरएनजी बहुत, मेरा लक एकदम बहुत बेकार था, तो मुझे टेकीला मिल गई। टेकीला इज़ द वर्स्ट लूट। उसके बाद मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, और राइट राइट में जाओगे तो तुमको गोल्ड वगैरह भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैं हाइस्ट सोलो करता हूँ तो मुझे गोल्ड नहीं मिलता। उसके बाद तुम लोग क्या करना है, अगर तुम हाइट पर हो ना तो गिर के मर जाओ, और अगर मतलब तुम लोग नीचे ही हो तो बाइक लो यहाँ पर, और यहाँ पर जो लेफ्ट के साइड में है ना, यहाँ पर आ जाओ, या तो कैमरा से डिटेक्ट हो जाओ या तो बंदे से डिटेक्ट हो जाओ, फिर मतलब तुम लोगों को ये वापस से एयरपोर्ट भेज देगा। तो ट्रैवल करने से अच्छा ही कि मर जाओ या फिर डिटेक्ट हो जाओ, तो जैसे ही मतलब तुम लोगों को स्पॉन पॉइंट पे फिर से भेज देगा, तुम लोगों को सिर्फ एक सिंपल काम करना है, सिर्फ एक सिंपल काम और कुछ नहीं। जो सिंपल काम तुम्हारा है वो है कि तुम लोगों को एयरप्लेन में फिर से बैठ के एलएस चले जाना है। और हाँ भाई, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन बाद एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ी चॉपी होगी ना वीडियो, तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। उसके बाद हमारा सेकंड प्रेप आता है अप्रोच व्हीकल का। यहाँ पर मैं लॉन्ग फिन वाला प्रेप करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग फिन से तुमको मतलब अगर सोलो कर रहे हो ना, तो अक्के आइलैंड पे तुमको चूज करने का मौका मिलता है कि कहाँ पर लूट तुमको कौन सी लूट लूटना है बेसिकली, तो तुमको अक्के आइलैंड एक्सेसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो तुमको वहाँ जो लोकेशन स्पॉन देगा वहाँ पर जाके तुम लोगों को फैंटम वेज मंगा लेनी है। अगर फैंटम वेज नहीं है तो गेम तुम्हारे लिए बाई डिफॉल्ट दो चार गाड़ियाँ स्पॉन करेगा, वो ट्रक वाली। तो यहाँ पर तुम लोगों को देख तुम लोग देख सकते हो मेरी हेल्थ बहुत लो है, क्योंकि मैं मतलब पुलिस से और एक दो बार थोड़ा पिट चुका हूँ। इसके बाद तुम लोग क्या करना है, सिंपली रिवर्स में अपनी फैंटम वेज ला के यहाँ पर गाड़ी उठा के लेके जाना है। यहाँ पर जो मार्किंग दिखा रहा हूँ वहाँ पर जाओ, पुलिस का टेंशन मतलब ये गेट, हाँ जब जाओगे ना मार्किंग के पास, तो ये वाला गेट कभी कभार पता नहीं खुलने के लिए बहुत नाटक करता है, और तुम लोगों को सिर्फ गेट को एक दो बार ठोकना है गाड़ी से हल्की हल्की तरह से। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी तक पुलिस गई नहीं है, तो मैं तुम लोग एक तरीका बताता हूँ, सुसाइड कर लो और बहुत सिंपल भाई, सुसाइड कर लो, बस पुलिस चली जाएगी और तुम्हारा मिशन भी फेल नहीं होगा। मतलब गाड़ी उधर ही पार्क करो, बाहर निकल के मर जाओ, और फिर यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्क करने के लिए बहुत मुझे डिफिकल्टी होती है, बट इवेंचुअली मैं पार्क कर लेता हूँ उसको। तो ये तुम्हारा अप्रोच व्हीकल का प्रेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रेप, जो कि है प्लाज्मा कटर। डिमोलिशन चार्जेस बिल्कुल भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो सोलो गाइड जो दे रहा हूँ ना, उसमें मतलब अपन स्टेल्थ करने वाले, डिमोलिशन चार्जेस से तुम लोग एकदम फ़ौरन डिटेक्ट हो जाओगे, और फिर वो अग्रेसिव टाइप हो जाएगा। एलीट चैलेंज भी आई थिंक नहीं मिलता है डिमोलिशन चार्जेस से, बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर भी एक लोकेशन स्पॉन देगा, वहाँ पर जाना तुम लोग को, ज़्यादा दिक्कत मत देना, यहाँ पर कोई बंदे बंदे नहीं होंगे। और सिर्फ अपना कैमरा खोल के यहाँ पर कहीं पर ना लेफ्ट या राइट साइड में ये स्पॉन होता है, ये बोर्ड स्पॉन होता है, ये बोर्ड का तुम लोगों को फोटो लेना है, और वैसे ही मतलब नॉर्मली पैवल को भेज देना है। चाहिए तो तुम लोग जैसे ही दरवाजे से अंदर जाओ ना, सिर्फ राइट साइड में
हल्का सा भी उसका क्लिपिंग दिख जाता है ना बोर्ड के, एक्चुअली टॉप राइट साइड का जो क्लिपिंग होता है मेन होता है वो दिख जाना चाहिए, मतलब गेम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि तुमने फोटो ले लिया। तो इसके बाद तुम लोगों को एक नेक्स्ट लोकेशन पैवेल भेजेगा जो कि तुम लोगों को जाना होगा, मैं यहाँ पर एडिटिंग के जरिए एकदम 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाऊंगा भाई, खतरनाक पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर अगर तुमको चाहिए तो ऑपरेशन मार्क टू है, तो ऑपरेशन मार्क टू का इस्तेमाल करो, इन सब बंदों को मार दो। और यहाँ पर मेरा मूड नहीं कर रहा था ऑपरेशन मार्क टू का, तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन मार्क टू नहीं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर सब बंदों को मारने के बाद भाई मैं भी मर जाता हूँ, पता नहीं कैसे यार कहाँ से बंदा स्पॉन होके मार देते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन हो जाता हूँ। जैसे कि तुम लोग को पता है मिशन नहीं फेल होता, रिस्पॉन होने के बाद तुम लोग को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने नहीं किया था, थोड़ा सा दूर रखा था हेलीकॉप्टर, जितना हो सके ना हेलीकॉप्टर एकदम नज़दीक रखना ये वाले मिशन में, क्योंकि तुमको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली। ये जो एनपीसीज होते हैं ना, इनके पास एम बहुत खतरनाक होता है, और ख़ास करके जो वेपन्स लोड आउट वाले मिशन के एनपीसीज होते हुए तो भाई लिटरली बहुत डेंजर होते हैं, उनके पास आराम से जाना। और ये जो दरवाज़ा, ये जो ढक्कन उठा के अंदर जा रहा है ना, वो एंट्री में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेप होगा वो है फिंगरप्रिंट क्लोनर का। उसके बाद तुमको क्या करना है कि अपना स्पैरो लेना है और पैवेल एक लोकेशन भेजेगा, वहाँ पर जाना है। दो चार बंदे होंगे उसके अंदर, अगर तुम लोग को आरपीजी से मारना है आरपीजी से मारो। यहाँ पर ये प्रेप्स जो क्लोज रेंज कॉम्बैट होती है, इसके लिए असॉल्ट शॉटगन बहुत बहुत अच्छी, आई थिंक 35 लेवल पे अनलॉक होती है वो, बहुत अच्छी गन है। इसके बाद तुम लोगों को एक हैक करना है, मतलब बेसिकली मिनी गेम ही होता है, मिनी गेम खेलना है। उसके अंदर तुम लोगों को बॉक्स वर्ड्स जब बॉक्सेस के अंदर आएंगे, जब एंटर दबा देना। ये आई थिंक गेम का ना सबसे इजीएस्ट हैक है, पता है? हाँ, तो उसके बाद पैवल तुम लोगों को नेक्स्ट लोकेशन भेजेगा, तुम लोगों को बाहर जाने के बाद ही लोकेशन भेजेगा, तो वो लोकेशन पे भी चले जाना है तुमको, और वहाँ पे एक बेसिकली फिंगरप्रिंट क्लोनर होगा, उसको ले लेना है। यहाँ पर एक दो कैमरा हो गया, अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग कैमरा का पावर आउटेज कर सकते हो, कहीं ना कहीं डब्बा होगा बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और टाइम तुम्हारा बेफालतू का वेस्ट होगा। यहाँ पर तुम लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा ना, यहाँ पर लास्ट वाले सेक्शन जो होता है ना, लास्ट वाले सेक्शन जो होता है वहाँ पर तुम्हारा क्लोनर स्पॉन होता है, तो यहाँ से क्लोनर उठा के तुम वापस से चले जाओ। हाँ, तो मैं जो बोला था ढक्कन उठा के जाता है, वो एंट्री मैं रेकमेंड नहीं करता, बट ये वाली अच्छी एंट्री है, दरवाजे वाली बेस्ट एंट्री है स्पैरो के अलावा, क्योंकि इसके लिए इसके वजह से तुम लोग मतलब डायरेक्ट हाइस्ट रूम के अंदर स्पॉन हो जाओगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रेप है वो है कटिंग टॉर्च का। कटिंग टॉर्च वाला प्रेप भी बहुत ईजी होता है, अगर तुम लोग को स्टेल्थ से करना है स्टेल्थ से करो, और अगर मतलब तुम लोग को एकदम खतरनाक तरीके से करना है, घुस के एकदम मारना है, तो वो भी कर सकते हो ऑपरेशन मार्क टू या फिर स्पैरो से। तो मैं यहाँ पर अग्रेसिव वाला अप्रोच सिलेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं एक मिसाइल मार देता हूँ ऊपर, और फिर स्पैरो लैंड करवा के नीचे के इन लोग को ख़त्म कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मेरे साथ एक अच्छी चीज़ होती है और एक बुरी चीज़ होती है, और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग अगर ये ऐसे फालतू घटिया स्पॉन मिलते हैं, तुम लोग फर्स्ट पर्सन में जाओ और फिर यहाँ पर हेलो डुलो, क्योंकि एकदम प्रिसाइज होता है फर्स्ट पर्सन, सिर्फ माउस घुमा दोगे तो तुम्हारा अखा कैरेक्टर घूम जाता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अच्छा हुआ मैं नीचे गिर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेकेंड ट्राई के अंदर ही टॉर्च मिल जाता है। मैं तुम लोग को रेकमेंड करूँगा ऑपरेशन मार्क टू या फिर स्पायरो यूज़ करो ट्रैवल वगैरह के लिए। और एक और व्हीकल होती है फैंटम वेज, अगर तुम लोग को एकदम मतलब ना कम टाइम में करना है तो फैंटम वेज भी खरीद लो, आगे एक प्रेप में काम आती है। उसके बाद तुम लोग को टॉर्च चुरा के वापस आना है निकोसाटका की तरफ। ओके, सो जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेप्स जो होता है हमारा, वो होता है वेपन लोड आउट। वेपन लोड आउट में एक वेपन का लोड आउट चूज करके तुम लोगों को उसको चुरा के लाना होता है, बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद पैवेल एक लोकेशन भेजेगा, वो लोकेशन पर जाना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम लोग टेरेस पर लैंड करो और टेरेस से ही निकलो वहाँ से, क्योंकि जो मतलब तुम जैसे ही वो वेपन्स निकाल के लेके आओगे बाहर, तो जो बजर्ड्स वगैरह हो गए ना भाई, बहुत खतरनाक बजर्ड्स होते हैं कसम से, उनके जो टरेट्स वाले बंदे होते हैं ना, उनके पास एम बहुत ही गजब का एम होता है। तो यहाँ पर अंदर आके तुम लोग को लिटरली एक एक बंदे को मार देना है, किसी को भी तुम स्पैर मत करो बिल्कुल भी। जब सब बंदे को तुम लोग मार दोगे ना, तो एक तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ होगी, तुम लोग का अलार्म बच जाएगा अलार्म बजने के बाद बजर्ड स्पॉन होने चालू हो जाएंगे बाहर, बट इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को सब बंदों को मारने के बाद क्या करना है, वॉल्ट की तरफ जाना है। वैसे वॉल्ट तो खुलेगी नहीं, बट तुम लोग को वॉल्ट की तरफ जाके ई स्पैम करना है, और जैसे ही वहाँ पे टॉप लेफ्ट में लिख के आते हैं,
अनलॉक और रिलॉक, तुम लोग फौरन लैपटॉप की तरफ भागो। और आई थिंक जो पहले वाले मिशन में आर्काइव वाला मिशन था ना, उसके अंदर जो इजिएस्ट हैक था ना, मेरे हिसाब से ये वाला जो हैक है ना भाई, बहुत मुश्किल हैक है। इसके अंदर मतलब तुम लोग को मिनी गेम वगैरह नहीं खेलना होता है, अपनी आंखों पर डिपेंड करना होता है। तो मैं इसमें ना लास्ट के 2 वर्ड्स ढूंढ रहा था, 54 और 49, तो यहाँ पर मुझे लकीली मिल जाता है। ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, मैंने 2-3 बार हाइस्ट करके रिकॉर्ड किया था, बट ये वाली रिकॉर्डिंग उनमें से अच्छी निकली थी, तो मैं यही वाली रिकॉर्डिंग यूज़ किया था इस पर्पज़ के लिए। फिर उसको यहाँ पर पीछे के तुमको ये डब्बा जो होता है ना, बॉक्स जो होता है, उसको खोल लेना है। और फिर मतलब यहाँ पर जैसे तुम लोग रूफ पर लैंड हुए, तो रूफ से एग्जिट करना है। 1 मिनट में बताता हूँ क्यों। उसके बाद भाई थोड़ी एडिटिंग अगर बेकार होगी तो मुझे माफ़ कर देना, बहुत दिनों बाद एडिट कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। यहाँ पर तुम लोग को ई नहीं दबाना है, जो नॉर्मली तुम लोग दबाते हो, क्यू दबाना है कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर स्पायरो है, यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बजर्ड स्पॉन होते हैं, बहुत खतरनाक बजर्ड होते हैं भाई, उनसे बिल्कुल बच के रहना तुम लोग। फिर यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि कोसाट का तुम लोग वापस से स्टोरेज में भेज के वापस से लेके आओ। यहाँ पर हमारा ये भी प्रेप कंप्लीट हो चुका है, अभी अपना टाइम है फिनाले का। तो फिनाले भी इजी है, यहाँ पर तुम लोग को लॉन्ग लॉन्ग फिन का प्रेप लेना है, और जो जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ वही लेना है। अगर तुम लोग को कायो पेरिको का जो पहला स्कोप आउट गाइड होता है, जिसमें तुम लोग पॉइंट्स वगैरह स्कोप आउट करते हो, अगर तुम लोग वो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना, 2-4 बंदे अगर बोल देंगे तो भाई मैं ला दूंगा, मेरा भी मूड है उसका। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना है, अप्रोच व्हीकल लॉन्ग फिन चूज करना है, इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट तुम्हारा मेन डॉक्स होना चाहिए, मेन डॉक नॉट डॉक मत करना, और फिर जो एंट्रेंस होती है वो तुम लोग ड्रेनेज टनल रख लो, डे टाइम का डे कर दो तुम लोग। फिर जो वेपन लोड आउट होता है उसमें यहाँ पे मेन चीज़ सप्रेसर खरीदना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर यहाँ पर तुम लोग को आगे अपने कपड़े वपड़े सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी हाइस्ट मेन स्टार्ट हो जाएगी। जब हाइस्ट जब स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, जब तुमको मेन डॉक अगर सिलेक्ट किया तो ये वाला स्पॉन मिलेगा, नॉर्थ डॉक मत सिलेक्ट करना, इतना खास नहीं है मतलब लोकेशन मेरे हिसाब से। तुम लोग को यहाँ पे एकदम मतलब टाइट लेफ्ट लेना है, और जो ये जो पोर्शन होता है ना लैंड और इन इसके बीच में जो है ना, यहाँ से बेसिकली जाना है तुम लोग को। फिर यही आइलैंड के थोड़ा लेफ्ट साइड से जाना है, और जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना वो एयरफील्ड की तरफ, वहाँ पर तुम लोग को जाके अपनी बोट को लैंड करवा देना है। मैं यहाँ पे एकदम अंदर घुसा देता हूँ, और मेरा लक होता है कि मेरी बोट ऑटोमेटिकली बाहर भेज जाती है, बट तुम लोग का लक नहीं हो सकता है कभी कभार, तो ये वाली रिस्क मत लेना। ये मेरी बोट पता नहीं कैसे बाहर आ जाती है, लॉन्ग फिन अच्छी बोट है शायद से। तो यहाँ पे आके तुम लोग क्या करना है, नीचे उतर जाना है, और फिर जो अपना जहाँ पर अपन ने पहली बार जब स्कोप आउट किया था ना, जैसे अपन स्पॉन हुए थे बाइक को लेके, तो वहाँ पर तुम लोग को जाना है, और उसके बाहर आई थिंक एक बंदा होगा तो उसको मार देना, कोई टेंशन मत लेना। ये बंदे को मारने के बाद तुम लोग डिटेक्ट नहीं होगी, कोई और किसी और को पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा मर गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर नीचे तो हरा माल था अपना भाई, हरा माल तो अपने को पसंद नहीं है, तो मैं पहली चीज़ करूँगा कि ये बॉक्स है ना, इसको उठाऊँगा, ये डब्बे के अंदर डालूँगा, मतलब ये डब्बे को भाई गाड़ी के ऊपर डालूँगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, डब्बे को गाड़ी के ऊपर डालूँगा और ऊपर जाऊँगा। तो ऊपर आई थिंक कोको स्पॉन होता है और पैसे स्पॉन होते हैं, तो अपन कोको और पैसे ले लेते हैं पहली चीज़ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर तुम पहले ऊपर मत जाना, अगर पहले नीचे अच्छी सेम लूट स्पॉन होती है ऊपर नीचे, तो पहले नीचे की लूट लेना, क्योंकि अंदर जाते टाइम दरवाज़ा खुल जाएगा लेकिन बाहर आने के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा तुम लोग। और ये जो लेफ्ट साइड में दरवाज़ा है ना वाइट वाला, अगर तुम लोग फिनाले के टाइम पे अगर जाना चाहो तो उसके अंदर भी जा सकते हो, लैपटॉप रहता है उसके अंदर, वो लैपटॉप पे तुम लोग इंटरनेट वगैरह भी ये कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर अगर कोको रहता तो अच्छा रहता है, सबसे अच्छा तो गोल्ड रहता है, फिर गोल्ड के बाद कोको आता है, कोको के बाद कैश आता है, फिर हरा माल तो तुम लोग मत ही लो, हरा माल तो बहुत बेकार होता है। और फिर यहाँ पर मैं कैश ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को हाइस्ट एकदम जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी थी। फिर उसके बाद मेरा आई थिंक फिर भी थोड़ा सा बैग में जगह बच जाता है, तो मैं नीचे जाके फिर वो हरा माल उठा लेता हूँ, क्योंकि एज आई सेड मुझे जल्दी से जल्दी हाइस्ट ख़त्म करना था। तो ये करने के लिए अगर तुम लोग को पूरा गोल्ड एकदम प्योर गोल्ड स्पॉन हो जाता है ना, तुमको आई थिंक 470 या 490 के तक मिल जाएगा आराम से सेकेंडरी लूट का। तो यहाँ पर मैं नीचे आगे हरा माल अपना लूट लेता हूँ। अच्छा वो तो मैंने अपनी फोर्कलिफ्ट को राइट साइड में पार्क किया था, वरना अगर यहाँ पर अटक गया था ना, तो अंदर जाना तो ईजी है भाई, लेकिन बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें अटक जाते बंदे। तो इसमें मेरी हाइस्ट आई थिंक एक बार वैसे इस तरीके से फेल भी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, तुमको लूट लेना है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिला, 400 के मिल गए अच्छे से।
फिर तुमको जाना है जहाँ पर तुमने अपनी लॉन्ग पिन जो पार्क की थी ना। और मेरी लकीली यहाँ पर भाई मैं तो एकदम स्टॉक हो गया देख के मेरी लॉन्ग पिन फिर से पानी के अंदर चले जाती है। और एकदम दूर भी मत पार्क करना क्योंकि वाटर करंट बहुत अजीब होते हैं यार कायो पेरिको के, तो तुम्हारी लॉन्ग पिन एकदम पीछे चले जाएगी। उसके बाद तुम लोग को ये जो येलो वाला मार्कर दिख रहा है वहाँ पर जाना है। तुम लोगों ने अगर ड्रेनेज टनल सिलेक्ट किया तो वो मार्कर दिखाएगा, तो वो मार्केट के पास जाने के बाद तुम लोग को अच्छा मतलब ड्रेनेज टनल के अंदर जाना है। और एक और चीज़ बोलूँगा भाई अब से ना, पता नहीं मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा शायद से, देखते हैं यार मेरी टेंथ से जो भी है। तो उसके बाद तुमको ड्रेनेज टनल के अंदर जाना है और फिर अपने मज़े करने है। हाँ तो मैं जो बोल रहा था कि एक दो मॉड मेन्यू की भी वीडियोस डाल दूंगा अगर मेरे को चाहिए होगी तो। और उसके बाद आई थिंक माइनक्राफ्ट की भी वीडियोस आने वाली। माइनक्राफ्ट तो बहुत खतरनाक गेम है भाई, 1.17 का अपडेट आ चुका है। उसके बाद हमको ये यहाँ पर येलो वाले सर्कल की तरफ जाना है। और तुम लोग जैसे ही नज़दीक पहुँचोगे ना मतलब उसके तरफ जाते हुए जंप मार लेना ताकि तुम लोग को वो स्पीड मिल के तुम लोग पानी के अंदर चले जाओ। और फिर तुम लोग को पानी के अंदर डाइव करना है और जी दबाना है। जी दबाने से री ब्रीदर जो होता है ना वो एक्विप हो जाता है। और अगर री ब्रीदर नहीं होगा तो कोई टेंशन मत लेना भाई, बाय डिफॉल्ट ही स्पॉन हो जाता है रिब्रीदर तुम्हारे साथ। तो एक रिब्रीदर के अंदर तुम्हारा हाइस्ट खत्म हो सकता है अगर मैं जो कर रहा हूँ वो अगर तुम भी करोगे तो। ये जो जालियाँ होती है इसको काटने का बेस्ट तरीका है कि तुम लोग माउस व्हील को माउस वाले बटन को दबा के रखो और एक एक करके एक एक बार पे पूरा कमिट करके पूरा काट लो। कोई कोई लोग मैं देखा हूँ कि मतलब ऐसे ऊपर नीचे करते हैं पूरा एक साथ में, बट वो अच्छा तरीका नहीं है, ये सबसे अच्छा एफिशिएंट तरीका है। तो ये करके तुम लोग को अंदर जाना है। हाँ तो ये जैसे ही वाला कट सीन प्ले होगा मैं तुम लोग को रेकमेंड करता हूँ कि तुम लोग लेफ्ट शिफ्ट होल्ड करके रखना ताकि थोड़ा मतलब वो लैग वैग ना हो तुम्हारा। और यहाँ पे अंदर जाते वक्त तुम लोग ना ई स्पॉन करना चालू हो जाना, वरना वो पैवेल जब बोलना स्टार्ट करते तो उसका उसकी बातें खत्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा एक ऊपर वाला कटसीन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तुम लोग को राइट में जाना है, लेफ्ट में मत जाओ, राइट में जाना है। ये गार्ड को मारना है तो मार दो, अगर दो बंदे हो तो मार दो क्योंकि इसके पास की कार्ड स्पॉन होता है। तो यहाँ पर राइट में जाके चुपचाप सिर्फ भाग जाना है, कोई बात नहीं चुपचाप देखो, चुपचाप भाग के कोई कुछ नहीं देखने वाला तुमको, चुपचाप भाग जाना है। और यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर बंदा होगा यहाँ पर इसको मार देना है, इसकी चाबी ड्रॉप करते। और ये जो रेड वाले जो बंदे होते हैं ना इनमें से यही तीन जो बंदे होते हैं ना आसपास के यही लोग आई थिंक गेट की ड्रॉप करते हैं, इनके अलावा तो बहुत रेयरली अगर गेट की इनसे ड्रॉप नहीं होती है, बट 99% ऑफ द चांसेस में ना गेट की यही लोग ड्रॉप करते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला थर्ड बंदा था ना इसको तुम मीली करने की कोशिश मत करना, बहुत बार फेल हो चुका हूँ इस बंदे को मीली करने की कोशिश में, हाइस्ट पूरी फेल हो जाती है। इसके पास पता नहीं क्या भाई देख लेता है बंदा, एलिवेशन पे होता है ना। उसके बाद तुम लोगों को ऊपर एलिवेटर हैक नहीं करना है, बहुत बुरा तरीका है वो, उसके वजह से तुमको हैक्स भी ज़्यादा मिलते हैं और फिर एग्जिट भी अच्छी नहीं होती। हम लोग को स्टेयर्स लेके नीचे आ जाना है, राइट लेना है और फिर ये लेफ्ट से जंप करना है और लेफ्ट लेके वापस से जंप कर देना है। और जो हमको गेट कीज मिली थी ना उससे तुम लोग को खोल देना है। खोलने के बाद अंदर जाओ, ये हैक होगा। यहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल मोड में था, हार्ड मोड में मुझे होना चाहिए था, बट नॉर्मल मोड में इस वाला हैक एक ही स्पॉन, ये वाला हैक एक ही स्पॉन होता है। और जो हार्ड मोड होता है उसके अंदर आई थिंक दो हैक स्पॉन होते हैं इस तरीके के। तो ये हैक तुम लोग कर लो। तो हैक करने के बाद यहाँ पर तुम लोग को ये जाली जो होगी उसको काटना पड़ेगा तुम्हारे थर्ड वाला प्रेप से। अगर तुम्हारे पास आई थिंक वायर कटर भी होगा ना कंपाउंड के अंदर कहीं पे स्पॉन हुआ होगा तो आई थिंक तुम लोग बच सकते हो, बट पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मुझे एकदम घटिया वाला ये मिलता है प्राइमरी टारगेट, टेकीला मिलता है। आई थिंक बेस्ट वाला पैंथर स्टैचू है, फिर सब रूबी सफायर है, फिर बैरर बॉन्ड सुनी मत, बट वैसे ही कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर तुमको टेकीला, मैं टेकीला लूट लेता हूँ। इसका क्या तरीका है कि तुम लोग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना है, बट जैसे ही वो एकदम रेड में एकदम ना भरना भर जाएगा ना उससे जस्ट पहले तुम लोग को रुक जाना है, फिर कूल डाउन होने देना है, फिर वापस से वो रिपीट करना है। ऐसे तुम लोग अगर अच्छी तरीके से करोगे तो तुम लोग का चार बार में मतलब वो चार बार में खुल जाएगा तुम लोग का। फिर तुम लोग जैसे ही आते वैसे ही एग्जिट करना राइट साइड के दरवाजे से।
तो यहाँ पर जगरनॉट यहाँ पर घूम रहा था, मेरा मूड किया तो मैंने मार दिया, नहीं मारने तो मत मारो। तो यहाँ पर अपस्टेयर आने के बाद तुम लोग एकदम राइट साइड को हक कर लेना, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर चलता हुआ रहता है, अगर तुम्हारा टाइमिंग गलत हो गया तो तुमको मार देगा। यहाँ पर आना है तुमको एकदम दरवाजे के सेंटर में आने की जरूरत नहीं एग्जिट करने के लिए, बट अगर थोड़ा दूर से भी कर सकते हो तो कर लोगे, कोई बात नहीं वैसे। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर मैं वो बंदे को मार भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर तुम लोग डिटेक्ट हो जाओगे तो तुम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा ना, कट सीन के थ्रू भी तुम लोग को अलार्म बजता हुआ रहेगा। तो यहाँ पर तुम लोग अगर यहाँ तक भी अनडिटेक्टेड हो और सोलो खेल रहे हो ना, तो चुपचाप तुमको कुछ भी नहीं करना है, एल रूबी वेल रूबी का चॉपर वॉपर कुछ नहीं उड़ाना है। ये बंदे को मारना है, इसकी बाइक चुरानी है, यहाँ से लेफ्ट लेना है और आइलैंड को छोड़ के चले जाना है। तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, ये झाड़ वगैरह छोटे छोटे होते हैं, इनको अवॉइड करके जाओ, क्योंकि ये झाड़ भाई बहुत खतरनाक होते हैं कायो पेरिको के। तो यहाँ पर जैसे ही तुम पानी में कूदोगे ना, आई थिंक तुम्हारा 1 से 1.5 हज़ार तुम्हारा डॉलर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था ना कि मिनिमम तुमको 1.3 मिलियन मिलता है, वो अगर तुम हार्ड मोड पर खेलोगे तो आई थिंक 1.5 मिलियन हो जाता है। और यहाँ पर मिनिमम भी तुमको 1.3 मिलियन मिल रहा है ना, तो उसके बाद भी तुमको ये जो मैं कर रहा हूँ उसका एलीट चैलेंज मिल जाता है। एलीट चैलेंज 15 मिनट के अंदर अंदर हाइस्ट करनी होती है, तो 15 मिनट का भी तुम लोग को एक्स्ट्रा 100K मिल जाता है। तो भाई तुमको कम से कम ना इसका 1.4 तो मिनिमम मिल ही जाता है। तो उसके बाद तुम लोग को एग्जैक्टली ना साउथ की तरफ स्विम करना है, जहाँ से मैं कूदा था ना, वहाँ से अगर तुम जाओगे तो साउथ की तरफ एकदम स्विम करोगे ना तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। हाँ, जब तक तुम लोग का मैप वगैरह नहीं गायब होता जब तक तुम लोग को स्विम करना है, और फिर यहाँ पर तुम्हारी हाइस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर पैसे की लेन देन होगी, मुझे एक चीज नहीं समझती, ये बंदा इतना सारा उसको सामान लाके देता है, ये पता नहीं एनवेलोप में क्या देता है उसको लाके भाई। यहाँ पर मुझे अपनी आईडी हाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे मॉड मेन्यू के वीडियो बनाने वाला हूँ, रॉकस्टार वाले बैन कर देंगे मुझे। मेरे ख्याल से ना बैंक में वो प्राइवेट लॉकर्स होते हैं ना, शायद से उसका वो कुछ होगा, उसका आईडी पासवर्ड वगैरह होगा कुछ ना कुछ ना। तो यहाँ पर 10 मिनट में मैंने हाइस्ट कंप्लीट कर लिया हूँ, तो अपने को एलीट चैलेंज के साथ साथ यहाँ पर नॉन हार्ड मोड थी हाइस्ट ये, तो कट वट काट वट के तुम लोग को 1. कितना 1.2 मिलियन मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट के लिए अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर अपनी हाइस्ट कंप्लीट हो जाती है। अगर तुम लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं करूँगा। और नया डिस्कॉर्ड सर्वर बना है, पिछला वाला न्यू हो गया था मुझे पता है, ज्वाइन करना तो कर लो। बाकी तो तुम लोग को अभी नेक्स्ट ही वीडियो में मिलूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरे स्टैट्स वगैरह देख लो हाइस्ट वाइस्ट के, मेरे को फिर से नेम हाइड करना पड़ेगा, 1.25 मिलियन मिल चुका है अपने को।